अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सुबह के 10 बजे से। और मौसम यहाँ है ना बहुत अच्छा हो गया है, एकदम से बादल आए हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। वैसे तो ये व्लॉग संडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चों को मूसा का जो है अभी समर स्कूल चल रहा है, और ऐसे ही बच्चों की रूटीन सेटअप हो जाती है कि वो वीकेंड्स पे भी ना जल्दी उठ जाते हैं। तो वो भी जल्दी उठ गया था और मैं भी उठ गई थी उसके साथ। तो हमने बनाया ब्रेकफास्ट और यहाँ मैं बना रही थी अपना मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट। और जो ये लॉफ था ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, मुझसे बिल्कुल कट नहीं हो रहा था। बेसिकली था मल्टीग्रेन जो कि बहुत अच्छा और हेल्दी होता है। इसमें सारे सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड होता है, चिया सीड्स होते हैं, सारे सनफ्लावर सीड्स हैं इसमें। इट्स अ मल्टीग्रेन ब्रेड, तो ये मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करती हूँ। इट्स रियली रियली हेल्दी और बहुत अच्छी होती है। और इतनी फीलिंग होती है कि आप सिर्फ एक ही स्लाइस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने एक पराठे के इक्वल जो है ना अपना नाश्ता कर लिया। और इसमें बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, इतने ज़्यादा कार्ब्स नहीं होते। और जब आप शुरू में कभी एक दो बार मैंने एवोकाडो टेस्ट किया तो आई वाज लाइक यार ये क्या है, इतना लाइक कितना बद जायका सा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब आप उसको एक से एक बार ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, तो आपको पसंद आने लग जाती हैं चीज़ें। तो बस यही था मेरे साथ भी, और अब मुझे इतना पसंद है। लाइक मैं अपने ब्रेकफास्ट में यूजुअली मेरा यही ब्रेकफास्ट होता है। एक तो ये बहुत क्विक है, सेकेंडली आपका वेट गेन नहीं होता, थर्ड इट्स वेरी हेल्दी। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो इनको थोड़ा सा डायबिटीज़ का इशू रहता है, ये बहुत अच्छा है उनके लिए। एवोकाडो आपका प्रोटीन भी जाता है, आपके कार्ब्स भी बैलेंस रहते हैं, और आपको सारे ग्रेन्स मल्टी ग्रेन ब्रेड होती है ये। और एग भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं एग भी इसके ऊपर ले लेती हूँ एक। अगर आपने एग नहीं लेना तो आप एग ना लें। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है जो मेरी डाइट के अंदर ही रहता है। लाइक मेरा वेट भी गेन नहीं होता और आप जो है फुल भी हो जाते हैं। तो दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट। और कुछ लोग होते हैं जिनको चाय बिल्कुल पसंद नहीं है होती, तो मेरा शुमार होने में होता है। आई डोंट प्रेफर टी, तो मैं अपनी मॉर्निंग के लिए एक आइस कॉफ़ी बना लेती हूँ। दैट इज़ इनफ फॉर मी टू द होल डे। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो गया था। मूसा को भी मैंने अपने साथ, आई एम ट्रेनिंग हिम के वो भी इसी ट्रैक पे आ जाए और हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया करे। और जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट किया इतनी तेज़ धूप आ गई, और मैंने जब टेम्परेचर चेक किया इट वॉज टचिंग 40। और यहाँ हम फिर रेडी हो गए थे पूल के लिए। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द पूल। और अभी मैं ना बैग बना रही हूँ पूल के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं पूल के लिए। सबसे पहले तो टॉवल्स, सबके अपने अपने टॉवल्स होते हैं, मूसा का, मेरा, अजर का। और फिर कुछ स्नैक्स, क्योंकि जब हम पूल पे जाते हैं तो वो ना कुछ मिनट्स की ब्रेक देते हैं और वो पूल से सबको बाहर निकाल देते हैं टू क्लीन अप द पूल। और उन्होंने कुछ ऑथेंटिसिटी, आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू चेक, बट दे गिव द ब्रेक फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। तो फिर हम अब मैं कुछ स्नैक्स जो है वो साथ लेके जाती हूँ, वाटर बॉटल। तो यहाँ बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। और पूल जो है हमारे घर से ना बिल्कुल ही लाइक 5 मिनट्स की ड्राइव पे है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो बस मैंने फिर बीट द हीट बहुत ज़्यादा, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। और यहाँ की गर्मी ऐसी है हमारे, तो लाइक यहाँ पे अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी अप जाता है लाइक 29-28, ऐसी अजीब सी यहाँ की गर्मी है कि बिल्कुल भी आप बाहर नहीं खड़े हो सकते। बहुत ही शदीद गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान की गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और आप देख सकते हैं कि पूल इतना नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ का। हर कॉर्नर पे उन्होंने एक गार्ड खड़ा किया हुआ था जो लुक आफ्टर कर रहा था कि कोई बच्चा डूब ना जाए या किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बाउंड्रीज भी बनाई होती हैं, एक सर्टन बाउंड्री से वो किसी को आगे नहीं आने देते। और यहाँ पे साथ साथ मेंशन किया होता है कि यहाँ पे इतने फीट वाटर है, यहाँ पे इतने फीट है। तो सारी क्लीन, बहुत अच्छी क्लीनिनेस होती है, मेंटेनेंस होती है। और आफ्टर 30 मिनट्स वो 20 मिनट्स की या 5 मिनट्स की इस तरह ब्रेक देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने देखें सबको पूल में से निकाल दिया था और हम साइड पे बैठ के अपने स्नैक्स इन्जॉय कर रहे थे। सो दिस इज़ हाउ वी बीट द हॉटेस्ट डे इन अमेरिका। तो
तो बच्चों को तकरीबन हमने यहाँ पे 3 से 4 घंटे स्पेंड किए थे और उसके बाद वी वर क्वाइट हंगरी। और यहाँ का मौसम जनाब ऐसा ही है, सुबह मैंने आपको दिखाया बादल थे और अभी अच्छी खासी गर्मी थी, और जैसे ही हम बाहर निकले और इट वाज स्टार्टेड रेनिंग अ लिटिल बिट, तो भूख को बताया हमने जल्दी से पिज़्ज़ा के साथ, और उसके बाद हमने करनी थी लिटिल बिट ग्रॉसरी, जिसके लिए हम आ गए सैम्स। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही स्टोर है जैसे कि कॉस्को, लाइक होल सेल कॉस्को। यहाँ पर भी आप विदाउट मेम्बरशिप अंदर नहीं जा सकते कोई, लाइक आप रैंडम ग्रॉसरी स्टोर्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वॉलमार्ट हो गया पाकिस्तान में, जैसे हाइपर स्टार हो गया, दे डोंट नीड एनी मेम्बरशिप कार्ड्स, बट ये जो होलसेल स्टोर्स होते हैं यहाँ पे आपको मेम्बरशिप लेनी पड़ती है। सो वी हैव 2 मेम्बरशिप्स, कॉस्को की भी है और हमने इसकी भी ली हुई है, तो ये मेम्बरशिप के बगैर आप इसमें आप यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अच्छा, मेरे मेरे कमेंट सेक्शन में और आई आल्सो ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन गाइस गो इन टू माई बायो एंड आप वहाँ देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, टिकटॉक पे भी मैं हूँ। मोस्टली मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं आज उसको रियली आई वॉन्ट टू एड्रेस दैम, कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझसे मोस्टली लोग पूछते हैं, वो यही होता है हम अमेरिका कैसे आ सकते हैं, हम यहाँ वीज़ा भेज दें, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट देम नो, आई ऑलरेडी मैंशनड अ डिटेल्ड वीडियो, मैंने डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे बनाई हुई, आपको थोड़ा सा मेरी वीडियोस से पीछे जाना पड़ेगा एंड यू कैन वॉच माई दैट वीडियो, कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, यहाँ का क्या प्रोसेस है, किस किस कैटेगरीज के थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो, गो इन टू माई वीडियोज़ और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, सो यू विल गेट टू नो एवरी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो आप मेरी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं ताकि आपको होपफुली कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम आउट, हमने इन्हीं इन्हीं ममालिक से, इन्हीं गोरों से हमने आज़ादी ली थी, लेकिन अब लाइक 70, 80, 90 लैक्स दे के भी हम वापस इनके ही मुल्क में आना चाहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द सिस्टम। द सिस्टम इज़ लाइक देर इज़ नथिंग टू बीट दैट सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम है, इतनी अच्छा गवर्नमेंट ने सब कुछ हैंडल किया हुआ है यहाँ पे। आई विश के हमारी बैक होम में भी ऐसे ही हो। बट एनी वेज, दिस इज़ माई व्लॉग फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।